पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले ही उठकर मैं जो है ये ड्रेसिंग टेबल जो है इसको साफ़ कर रही हूँ। अभी हमारे घर सभी लोग सोए हुए हैं और आज बहुत ज़्यादा गर्मी था, रात में बहुत ज़्यादा ही गर्मी था। तो आज क्या हम लोगों ने सभी लोगों ने बाहर बिस्तर लगा लिया था, तो बाहर सभी लोग सो रहे हैं। आज जो इस रूम में कोई नहीं है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो आज इस घर में कोई नहीं है, तो सबसे पहले उठते सुबह सुबह मैंने अपना जो रूम ये जो है ड्रेसिंग टेबल जो है काफ़ी दिन से गंदा पड़ा हुआ था, तो मैं इसको जो है साफ़ करने में लग गई हूँ। क्योंकि अभी सभी लोग सो के उठ जाएंगे तो क्या हुआ, ये सारा काम जो है मेरा हो नहीं पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सभी लोग सोए रहते हैं, जितना भी डस्ट वाला काम होता है सुबह ही मैं निपटा लेती हूँ। तो आज इस रूम में हस्बैंड जी भी नहीं थे, बाबू भी नहीं था, और मैं तो अभी बाहर से ही सो के उठ के आई हूँ, तो इसलिए मैं इस काम में लग गई हूँ। अगर वो सोते रहते हैं तो ये जो रूम जो होता है अच्छे से मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ इस रूम में, या तो मुझे दिन में फिर टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, और वो रहते हैं तो फिर जल्दी नहीं हो पाता सुबह। ये जो रूम होता है अच्छे से मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो आज वो बाहर सोए हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी था, और बाहर मैं सोई थी तो मुझे नींद ही नहीं है। अगर चेंज जो होता है बेड जो आपका चेंज हो जाता है, बिस्तर आपका चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे नींद नहीं आती, तो मुझे जो है रात में वहाँ नींद ही नहीं आई है बाहर, तो इसीलिए। तो वैसे मैं जल्दी उठ गई हूँ, 5 बजे ही आज उठ गई हूँ। तो उठ कर और थोड़ा सा मैं टहल वहल के फिर ये जो है कामों में लग गई हूँ। तो मैं लोगों के सो के जब तक उठेंगे तब तक ये जो है मेरा पूरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जब मैं गई थी मायके, जब गई थी तो मैंने जो है यहाँ पे वैक्सिंग किया था, जो वैक्स वाला हीटर आप लोग देख रहे हैं ये, इसमें मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था, वैसे ही छोड़ दिया था। हमने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और ये सुबह जो इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती क्योंकि सभी लोग सोए रहते हैं ना, तो थोड़ा सबको डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए बाकी रूमों में मैं कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को जो अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ, जब तक उठेंगे तब तक ये जो डस्टिंग का काम होता है मेरा सारा जो ख़त्म हो जाता है। और आज हम जो है नाश्ते में उन लोगों के लिए बनाने वाले हैं सैंडविच, क्योंकि आप लोगों को बताया था मेरे बच्चे जो जिद कर रहे थे कि मम्मी सैंडविच बनाओ, और अभी ठीक है, मम्मी का भी तबीयत जो ठीक हो गया, दांत उनका भी सही हो गया, फिलहाल अब डॉक्टर जो है सब कुछ खाने के लिए उनको कह दिया है। तो आज मैं वही बनाने जाने वाली हूँ किचन में। तो हमने कहा चलो सबसे पहले इस काम को निपटा के फिर जो, उसमें भी टाइम लगता है, आलू वगैरह बॉयल करो तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप कुछ हैवी नाश्ता बना रहे हो ना तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है नाश्ते में भी। तो यहाँ पे मेरा जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से काम सारे निपटा लूँ, और उसके बाद जो है अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ। ये बच्चों के और सभी लोगों के उठने से पहले ये जो रस्टिंग का काम मैं कोशिश करती हूँ हो जाए, और उसके बाद जो है पूरा नाश्ता मैं रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैं नहाई नहीं थी, आज डायरेक्ट जो है, आज संडे है तो संडे में जो है थोड़ा बहुत काम रहता है, जैसे कि बाथरूम वगैरह साफ़ करो, कपड़े वगैरह साफ़ करो, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आज जो है नहाते नहीं है, पहले बच्चों के लिए नाश्ता सबके लिए रेडी कर देते हैं, वरना मैं बाथरूम में जाऊंगी कपड़े लेकर बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे बाथरूम में ही, तो ये भूखे सभी लोग बैठे रहेंगे मेरे वजह से। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले लोगों के लिए नाश्ता रेडी कर लेते हैं फिर चलेंगे बाथरूम में। आज संडे है, संडे में बहुत काम ही रहता है, हेयर वॉश भी मुझे करना है, और मैं यहाँ पे बिस्तर जो है पहले सही कर देती हूँ। अभी जो है सभी लोग उठ चुके हैं, ये गद्दा जो आप लोग देख रहे हैं, गद्दे गए थे बाहर सोने के लिए सबके लिए, तो गद्दा भी उठ के आ गए हैं, और अभी ये लोग दोबारा से जाकर मम्मी के रूम में सो रहे हैं वहाँ से उठ के, क्योंकि धूप थोड़ा बहुत आ जाती है 6 बजे तक, थोड़ा बहुत जो है बाहर धूप आती है तो जो आँखों में रोशनी आती है ना उसकी वजह से सभी लोग सो के उठ गए हैं, और अभी मम्मी के रूम में सभी लोग सो रहे हैं, मतलब सभी क्या पतिदेव हैं, दोनों बच्चे हैं, मम्मी उठी हुई हैं, तो अभी वो लोग बाप बेटे बच्चे सभी सो रहे हैं, और मैं जो अपना बेड सही कर रही हूँ। तो बस ये मेरा जो बेड सही हो गया, अब मैं इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे
सुबह का जो काम होता है इस तरह से मेरा, सुबह उठने के बाद फटाफट मैं स्पीड में इस तरह से कामों को निपटा लेती हूँ। और कभी कभी मुझे इतना डर लगता है ना, थोड़ा बहुत खटपट होती है ना, तो मेरी वजह से सबकी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। और मेरे यहाँ 7 बजे तक सभी सोते हैं, मतलब बच्चों की भी आदत हो गई है, इस समय स्कूल बंद है तो उन लोगों की भी आदत हो गई है, 7 बजे से पहले वो लोग उठने वाले नहीं हैं। और 7 बजे तक जो मेरा झाड़ू पोछा ये वाला काम होता है ना, पूरा ख़त्म कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद जब वो लोग उठते हैं तो मैं डायरेक्ट जो बाथरूम चली जाती हूँ, नहाती धुलती हूँ, फिर उसके बाद जो है 8 बजे आती हूँ तो तुरंत मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। पर आज क्या हुआ कि मैं झाड़ू पोछा करके और डायरेक्ट जो है नाश्ते में बदल लग गई। तो यहाँ पे पहले जो झाड़ू लगाने से पहले मैं यहाँ पे आलू को जो है बॉयल कर देती हूँ। जब तक मैं यहाँ पे डस्टिंग का काम कर रही थी तब तक ये मेरे जो आलू जो थे बॉयल हो चुके थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो चूल्हा जो कनेक्शन है एक ही है, डबल वाला नहीं है, सिंगल ही है, तो इसलिए तो थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे पहले मैं आलू रख देती हूँ और जब तक ये झाड़ू पोछा होगा ना तब तक जो आलू अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो पहले तो किचन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, पहले तो रात में ही मैं एक बार रात में अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ किचन को, कि सुबह जो होता है ना कि ये सारे काम ना करना पड़े। फिर भी सुबह उठने के बाद एक बार ज़रूर मैं कपड़ा जो है ऊपर जो मार देती हूँ, ताकि कभी कभी क्या होता है ना कॉकरोच छिपकली सारी चीज़ें जो है आती हैं, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बस शंका रहती है कि हाँ कहीं वो लोग आकर और थोड़ा सा ना पॉटी उटी भी कर देते हैं इस पर। छिपकली जो होती है ना, छिपकली चूहे ये सारी चीज़ें कभी कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, मेरे यहाँ तो बहुत सबसे ऊपर भी चले जाते हैं। जो पेपर और जो गत्ते होते हैं ना, मैंने एक बर्तन रखा था उसमें पूरा कुतर दिए थे, तो इसलिए तो रात में क्लीन करने के बाद मैं एक बार मॉर्निंग में जो भी है गैस वो पोंछ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे शंका रहता है। अभी तो फिलहाल चूहे नहीं है इस घर में, क्योंकि चूहों को मैंने जो है दवा देकर सबको मार डाला, मतलब मार क्या भाग गए हैं, इस टाइम नहीं। यहाँ पे फ्रिज था तो बहुत चूहे आते थे, अभी जो फ्रिज की तार जो कट कर दिए थे तो मैं यहाँ से फ्रिज हटा दी हूँ, तो अब चूहे थोड़ा कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं ना, तो पहले इस मतलब किचन में बहुत चूहे रहते थे, रात भर जो खटपट ज़्यादा ही करते थे, तो फिलहाल इस समय चूहे नहीं हैं। चूहे जब से मैंने फ्रिज हटा दिया तब से चूहे भी भाग गए यहाँ से। तो बस यहाँ पे आलू जो है बॉयल हो चुका है और मेरा डस्टिंग का पूरा काम हो चुका है। आज पूरी मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए तो बस यहाँ पे आलू बॉयल होने के बाद मैंने छील लिया है और ठंडा करके फिर इसको मैश कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों को जो है ना नॉर्मल जो होता है ना उस तरह के सैंडविच पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा और ज़्यादा चटपटा नहीं, जैसे हल्का सा मिर्च हो और हल्का सा मसाला और नमक, इस तरह से बच्चे पसंद करते हैं। बच्चों के ही पसंद का ही बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं खाएंगे तो हम लोग खाकर क्या करेंगे, तो इसलिए तो उनके पसंद का ही मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैश कर लिया, यहाँ पे आमचूर पाउडर है हल्का सा, मैं ये डाल देती हूँ। और आप अपने हिसाब से मसाले जो भी खाते हैं आप लोग, अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, मसाले जो आप लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे जो मैं मिक्स जो है खटाई जो होता है, खटाई और मिर्च एक ही में हमने मिक्स करके एक डब्बे में भर के रख दिया, तो वो डाल दिया हमने। और यहाँ पे बस नमक और चाट मसाले, तो बस इसमें कुछ इस तरह से मसाले ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें बस मिर्च डालूँगी, मिर्च जो हरी मिर्च है, अगर हरी मिर्च मेरे यहाँ इसमें जो ख़त्म हो गए थे, ख़त्म क्या सूखे हो गए थे, तो फिर मैंने उसको नहीं डाला। और बच्चे भी मना कर रहे थे मम्मी हरी मिर्च मत डालना, जो पीसी वाली जो हरी मिर्च होती है बस मैंने वही ऐड किया था और कुछ भी नहीं। यहाँ पे हल्दी, थोड़ा सा मैं हल्दी डालूँगी और कोई भी मसाले मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो ये जो चाट मसाला जो होता है, चाट मसाला हमने डाल दिया इस तरह से जो है, इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ जो सैंडविच में पड़ती है वो टिक्की। मैं इस तरह यहाँ पे टमाटर प्याज सब कुछ कट करके रख दिया है, यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, और यहाँ पे और भी आप लोग चाहते हैं हरी सब्जी कोई भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाने वाले हैं, इसलिए तो मैं सिंपल ही बनाने जा रही हूँ। तो इन सबको मिक्स करके यहाँ पे गोल गोल जो है टिक्कियाँ बना लूँगी। और आप लोग प्लेट में देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये जो चूरा जो होता है, पोहा बोलते हैं, चूरा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको मैंने बारीक जो है मिक्सर में पीस लिया था, और उसको पीस कर फिर ये जो टिक्की बनाएंगे ना गोल गोल, इसको बनाकर फिर जो चूरा है उसमें फेंट करके तवे पे फ्राई कर लेते हैं।
तो इस तरह से जो बच्चों की सैंडविच हुए मैं तैयार अपने लिए अलग से मैं बनाऊंगी। मुझे खाना चटपटा तो अपने लिए अलग से बनाऊंगी, सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ सिंपल सा। तो मैं नाश्ते में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ते में अक्सर मैं इस तरह से इन लोगों के लिए सैंडविच बना के दे देती हूँ। और आप एक दो खा लो ना तो पूरा पेट जो है भरा भरा सा हो जाता है सुबह के टाइम। तो आज तो मैंने बहुत मतलब 4-5 मैंने खाया और मेरा पूरा जब पूरा आज लंच भी मैंने नहीं किया। ये जब खा लिया तो लंच भी नहीं मैं की, सभी लोगों ने लंच कर लिया मैं नहीं की थी, इतना पेट जो है भरा भरा हो गया था। तो बस इसको हल्का सा तेल डाल के जो इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी टिक्कियों को। अभी मेरा तेल ख़त्म हो चुका है तो मैं इस तेल को डब्बे में डाल देती हूँ। तो मैं इसको भर देती हूँ और टिक्कियों को इस ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करना, हल्के हल्के तेल में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के और इस तरह से ब्राउन कलर कर लेंगे। और ये छोटा वाला ब्रेड आया हुआ है, बड़ा आप जरूर ले सकते हैं, मेरे यहाँ तो ये छोटा वाला ही मिल पाया है। पास के दुकान से गए थे मतलब ये लेकर आए थे, दो पैकेट पूरा लग गया, तो छोटा वाला मिला है, बड़ा वाला मिल ही नहीं पाया है। और यहाँ पे बस टिक्कियों को निकाल लेती हूँ। अब जो ब्रेड को है ना सिकाई कर लेती हूँ अच्छे से। अगर आपके पास जो बड़े वाले ब्रेड होते हैं ना उसको तिकुन्ना काटना पड़ता है, और छोटा वाला ठीक है इससे अच्छा होता है। इससे क्या होता है ना ब्रेड पकौड़े भी इससे बहुत अच्छे बनते हैं, और मैं जब ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ ना तो इसी वाला ब्रेड जो होता है छोटा वाला वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीख लेती हूँ ब्रेड को, हल्का हल्का सेकना है स्लो मीडियम में। अगर ज़्यादा आप तेज आंच पे सेकेंगे ना तो पूरा जल जाता है ब्रेड और तीखापन आ जाता है। इस तरह से सभी को सेक कर और उसके बाद यहाँ पे बटर लगा लेती हूँ। चीज़ थी नहीं, चीज़ मैं नहीं लाई थी क्योंकि चीज़ ये क्या हुआ फ्रीज जो है ख़राब है, इसके वजह से मैं रात में कुछ भी नहीं ये लेकर आए थे। बटर जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपके घर में फ्रीज है तो बटर सही है, वरना बटर जो रखने वाला नहीं है, पूरा पिघल जाता है पूरा बटर। तो यहाँ पे बटर जो है ख़राब हो गया था, तो बस यहाँ पे पूरा जो है पिघल गया था, पूरा बटर जो पिघल गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है बच्चों की सैंडविच मेरी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इस तरह से मैं जो आलू की टिक्कियाँ बनाई थी उसको यहाँ पे रख के, और ये केचप सॉस जो मैं इस पे लगा देती हूँ। और यहाँ पे कुछ हमने खीरा और प्याज टमाटर कट किए थे, तो मुस्कान जो है मुस्कान को बोले थी मम्मी मेरे बस खीरा लगाना प्याज मत लगाना टमाटर मत लगाना, वो पसंद नहीं करती है। और बाबू के लिए तो सब कुछ दे दो, वो सब कुछ खा लेता है। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं तक, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और मिलते हैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।